इन दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों भयंकर रश के बीच में अभी हम लोग बढ़ रहे हैं गरीब रथ की ओर, जो कि सिकंदराबाद से बैंगलोर के बीच में चलती है। काफ़ी तगड़ा रश है। 8 बजे मैं यहाँ पे अभी प्लेटफॉर्म पहुँचा हूँ। बाहर भी बहुत भीड़ लगी है। 8:30 ट्रेन यहाँ से निकलेगी बैंगलोर की ओर। जल्दी से पहुँचते हैं, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म में गाड़ी लगी है। बाकी बातें आपसे वहीं पर करता हूँ। बस रश देखो पहले तो आप, भाई साहब इतनी भीड़ पता नहीं किस गाड़ी के लिए है। दोनों तरफ भीड़ ही भीड़ देखने को मिल रही है। जो अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी, ऐसी कुछ अनाउंसमेंट हुई है अभी। फाइनली आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। पता नहीं क्यों अचानक से इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक नंबर से सिकंदराबाद भुवनेश्वर छूट रही है। गरीब रथ की बात करूँ तो सबसे कमाल की गाड़ी मुझे लगती है सिकंदराबाद से बैंगलोर के बीच में, क्योंकि 700 किलोमीटर की दूरी हम लोग मात्र 770 रुपये पे करते हैं इसके लिए, और 3 AC के पूरे मज़े मिलते हैं। कंप्लीट AC ट्रेन है। जैसी प्लेटफॉर्म लगती है आपको दिखाता हूँ पहले तो। रेलवे ने G6 वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले किया था और ट्रेन को यहीं पे रोक दिया। अब पूरी की पूरी भीड़ को अपने अपने कोच में जाने के लिए एक दूसरे से कंजेस्टेड तरीके से, मतलब भिड़ते भिड़ाते जाना पड़ेगा यार। बाकी गाड़ी कमाल की है, पर जो डिस्प्ले किया एटलीस्ट उसे फॉलो तो करो आप लोग यार। रेलवे से एक ही रिक्वेस्ट है, कम से कम पैटर्न तो फॉलो करो अपना। यहाँ पे अपनी बैंगलोर वाली गरीब रथ खड़ी है और इधर देखो विशाखापट्टनम गरीब रथ के रेक को लगाया जा रहा है। इंडियाज ओनली डेली रनिंग गरीब रथ सिकंदराबाद विशाखापट्टनम। यार इसमें भी ट्रैवल करने का बहुत मन है। आप लोग बस कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ आप क्या देखना चाहते हो। ट्रैवल करने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर गरीब रथ ट्रेन देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, और जितनी खूबसूरत है उतनी इनकी अच्छी खासी कैपेसिटी है। 78 पैसेंजर्स एक AC 3 टायर के कोच में बैठ सकते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो रफ्तार है 130 km/h चलने के लिए केपेबल है। डिपेंड करता है रूट पर, वहाँ पे 130 चलाई जा रही है कि नहीं। अगर वहाँ के ट्रैक केपेबल होते हैं तो इन्हें चलाया भी जाता है। बाकी अपनी गरीब में अब चला जाए, क्योंकि लाइट्स वगैरह खैर अभी उसकी ऑफ है, पर 8:30 उसका डिपार्चर टाइम है और ऑलरेडी 8:20 हो रहा है यहाँ पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को वीगो ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है, जहाँ से आप फ्लाइट, होटल्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ को बड़ी आसानी से बुक कर सकते हैं। ये 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स एंड 1000 से ज़्यादा रिजल्ट्स को कंपेयर करके बेस्ट एंड चीपेस्ट डील आपके लिए प्रोवाइड करता है। ये जो ट्रेन टिकट है मैंने ये भी वीगो से ही बुक की है, क्योंकि वीगो ने हाल ही में IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी, जिसका बुकिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको वीगो ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे आप ऐप को ओपन करते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से आपको ट्रेन आइकन पर क्लिक करना है, सो स्टेशन डालो, डेस्टिनेशन डालो, डेट ऑफ जर्नी चूज़ करो। जो ऑप्शन आएंगे उसमें से अपनी पसंदीदा ट्रेन को आप बुक कर सकते हैं। इंटरन आपको यहाँ पे ट्रेन के कंफर्मेशन चांसेस भी देखने को मिल जाते हैं, है ना कमाल की बात। मेरी तरफ से एक सलाह ये भी रहेगी, जिस रूट में आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो एक बार फ्लाइट का किराया भी चेक कर लेना, क्योंकि कई बार वीगो आपको कम से कम किराए में फ्लाइट की टिकट भी प्रोवाइड करता है। तो भाई देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जल्दी जाओ वीगो ऐप को डाउनलोड करो। और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है एक बार नए ऐप को भी अपडेट कर लो, क्योंकि बहुत सारे नए नए फीचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तो भाई जल्दी से जाओ डाउनलोड करो वीगो ऐप को, अपनी ट्रैवलिंग को और ईजी बनाओ। बहुत तगड़ी लापरवाही चल रही है, यहाँ पे पूरा अंधेरा है, कुछ अंदर लाइट्स वगैरह खुली नहीं है, अब कोई सांप के सामान वगैरह जो मिक्स हो रहे हैं। मैं तो इसलिए अंदर नहीं घुस रहा हूँ, जैसे लाइट जलेगी तो ही जाऊँगा, इतना अर्जेंट नहीं है अभी घुसना। अगर किसी का सामान मिक्स हो गया अंधेरे में, कोई किसी का कुछ उठा के ले गया, तो भाई कौन जिम्मेदार लेगा, मतलब चोरी कौन जिम्मेदार लेने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम देखो 8:35 हो गया, 8:30 तो ट्रेन का डिपार्चर टाइम है। उसके बाद जाके लाइट वगैरह जो है वो ऑन हुआ है अभी गाड़ी का, अभी अपनी सीट में चलते हैं। सो कमिंग इन वीडियो, यू नो हिम, ही रिमेंबर हिम, ही मेट मी इन केयरफॉर्म, राइट? यस, केयर द आफ्टरनून वी लव विद हिज मदर। I was going in double decker or double decker. Yeah, yeah. I'll get my laptop. Huh? I'll just come back. हाँ याद है डबल डेकर में, लकीली वी मेट एंड यू आर इन द वीडियो विद मी। खाने कोचे से पहले कोचे राजधानी वगैरह में यूज़ होते थे, इसमें खाना वगैरह जो है वो गर्म किया जाता था। बाकी अभी वो सब चीज़ें तो गरीब रथ ट्रेन में तो खैर इसका यूज़ है नहीं, इसलिए वो सुविधाएं नहीं दी गई। अगर बात की जाए यहाँ पे भी 130 की स्पीड लिखी होगी, वैसे इस साइड होता है। हाँ यार नीचे की तरफ देखो लिखा हुआ है 130 km/h में चलने के लिए केपेबल कोचेज है, पर वैसे इस रूट में ज़रूरत नहीं, 110 ही मैक्स रहेगा, काफ़ी पुराने कोचेज होते हैं। तो यहाँ पे टाइम देख लो यार, 8:30 का डिपार्चर टाइम था, डीले अच्छा खासा हो गया। और कमाल की बात तो है कि दोनों गरीब रथ ट्रेन को एक साथ खोला गया है,
यहाँ हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर की और सामने विशाखापट्टनम गरीब रथ भी छूट गई है। ये होता है कोइंसिडेंस, आज दोनों ही ट्रेन एक साथ लगाई गई और दोनों ही ट्रेन एक साथ छोड़ी भी गई। एक नंबर प्लेटफॉर्म से निकल रही है विशाखापट्टनम वाली, हम लोग निकले हैं तीन नंबर से। खाने पीने की चीज़ें रात में भी सिकंदराबाद स्टेशन में आपको मिल जाएगा, बिरयानी वगैरह हर चीज़ मिलेगी अच्छे से, समोसे स्नैक्स सब चीज़। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है स्टेशन के जस्ट बाहर आपको एक एस से कोई है सन्निधि ग्रांड या इस टाइप का एक होटल है, वहाँ पर आप जाके खा सकते हो, वहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है। वहीं पर मैं भी हमेशा प्रेफर करता हूँ, तेलंगाना एक्सप्रेस से जाने के दौरान भी मैंने वहीं पर खाया था, एस से कुछ स्वाति होटल के जस्ट बगल में, खाना काफ़ी अच्छा और टेस्टी मिलता है भाई। G17 तो इसमें केवल 3 tier के कोचेज हैं और 2 generator कार हैं, ये टोटल 19 कोचेज की गरीब रथ। गजब का साउंड है यार। सामने सिकंदराबाद मेट्रो भी आप लोग देख लो, हमारे जस्ट आगे आगे छुट्टी है वो भी, क्या कोइंसिडेंस है। गरीब रथ ट्रेन को ये साइड मिडिल बर्थ ही खास बनाती है, खास क्या इससे काफ़ी तकलीफ होती है यात्रियों को, एक मिडिल बर्थ साइड में भी लगाई गई है जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन चलिए बेगम पेट आ गया, पहले वो देख लेते हैं। हमारी ट्रेन अपने पहले हॉल्ट यानी बेगमपेट रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुकी है, जो कि बस 4 kilometer या सिकंदराबाद जंक्शन से या आता सिकंदराबाद के अंदर ही आप कह सकते हो। यहाँ से भी यात्री इसमें चढ़े हैं, काफ़ी कमाल की लगती है ये ट्रेन का जो कलर पैटर्न, दिन में दिखाऊंगा आपको, इंटीरियर वगैरह भी एक बार डिटेल में दिखाऊंगा दिन में। बाकी चलने के लिए तैयार है, यहाँ पे तेलुगु में अनाउंसमेंट भी हो रही है गाड़ी के लिए। नाइट नाइट की जर्नी रहने वाली है, ट्रेन को बैंगलोर पहुंचने में ऑलमोस्ट सुबह के 8:30 हो जाएंगे, आधा घंटा डिले भी हो चुका है, देखते हैं क्या होता है। बाकी फिलहाल यहाँ से डिपार्चर देखो आप, बहुत सारी ट्रेन को बेगमपेट में भी स्टॉप दिया जाता है क्योंकि बहुत सारी पब्लिक यहाँ से भी चढ़ती है। जब मैंने हुसैन सागर में ट्रैवल किया था ना, हुसैन सागर एक्सप्रेस में मुंबई के लिए स्लीपर में, तो भी आप लोगों ने देखा होगा। और आज बारी है गरीब रथ एक्सप्रेस की, अगर राजधानी में ट्रैवल करता ना तो 1900 rupees मुझे पे करने पड़ते बैंगलोर तक के, इसी 3 tier के, और 2 tier के तो 2500, और नॉर्मल ट्रेन में 1000 rupees आपको पे करने पड़ते हैं चेयर कार सॉरी इसी 3 tier के लिए, और 2 tier के लिए आपको पे करने पड़ते हैं नॉर्मल ट्रेन में अराउंड 1400 to 1500। तो भाई उस हिसाब से देखो 770 rupees तो बहुत वर्थ है इतनी अच्छी खासी कैपेसिटी वाली गाड़ी के लिए। वॉल्वो बसेस से जाओगे तो आपको 1500 to 2000 rupees खर्च करने पड़ेंगे, उस हिसाब से AC फैसिलिटीज़ के लिए ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। अभी देखेंगे इसमें हमें बेडरोल वगैरह दिए जाते हैं कि नहीं, वैसे बेडरोल चढ़ते हुए तो मैंने देखा था, अब देखते हैं वो चार्जर्स लेके दिए जाएंगे या सीधा दिए जाएंगे इसी किराए में। तो गरीब रथ में आपको अगर बेडशीट भी रखिए तो कुछ ऐसे आप खुद से कलेक्ट करना पड़ेगा, सीट में आकर नहीं मिलेगा, यही सिस्टम आपको इसमें होगा। सीटिंग जो पैटर्न है कैसा टेढ़ा मेढ़ा सा है गरीब रथ में, क्योंकि सीटें ज़्यादा होती हैं, साइड में मिडिल बर्थ भी होती है, वो रास्ते आपको दिखा पाऊंगा मैं। सभी लोग अब लाइन लगाने जा रहे हैं वहाँ पर बेडशीट वगैरह लेने के लिए, और ये अलग ही हिसाब रहता है। यहाँ पर मैं भी अपना लेकर के आ गया हूँ, अभी तक हमारे यहाँ बाकी पैसेंजर्स नहीं आए, केवल एक लोअर बर्थ में मैडम आएंगे। खाना पीना भी कुछ नहीं मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लोगों को लगे आप प्रीमियम गाड़ी है, खाना पीना मिलेगा, सब चीज़ें सुविधा होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। खाना पीना भी लेकर के आना है, हो सके तो बेडशीट वगैरह भी लेकर के आओ। हमारी ट्रेन जो है लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है, और आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां से बहुत सारी ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं। एक और मेन चीज़, गरीब रथ ट्रेन में कोरोना के बाद से अब आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता है 25 rupees, अगर आपसे कोई भी मांगता है पैसे तो आपको अगर दिल से मन देने का तो दो, वरना कंपलसरी नहीं है। पहले होता था कि आपको या तो चार्ट में ऑप्शन मिलता था कि आप पे कर लो वहीं पे, या तो आपको ट्रेन में पे करके आपके जो पेट्रोल से वो मिल जाते थे। गरीब रथ ट्रेन जो है वो इंडियन रेलवेज़ की सब्सिडाइज ट्रेन से 2005 में चलाया गया था, पहली गरीब रथ थी सहरसा से अमृतसर के बीच में। इसमें आपको लगभग 30 से 40% कम किराया देना पड़ता है नॉर्मल ट्रेन के 3 tier से। भाई गरीब रथ एक सब्सिडाइज ट्रेन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर बड़े बड़े रूट इंपॉर्टेंट रूट्स की बात की जाए, दिल्ली रांची में चलने वाली गरीब रथ एकदम राजधानी की टाइमिंग में चलती है, मतलब राजधानी के आगे आगे चलती है, आप लोगों ने मेरे साथ जर्नियाँ देखी हैं,
मेन मेन रूट्स की एयरवेज जहाँ 130 अलाउ है वहाँ 130 में चलती है। हमारी एयरवेज जिस रूट में चल रही है यहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, तो राजधानी की रफ्तार में तो नहीं खैर, पर हाँ 110 की रफ्तार में ज़रूर ही चलती है। कोच इसके केपेबल है खैर 130 में चलने के लिए। बाकी एक और चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि ट्रेन काफ़ी बढ़िया होती हैं, इनका एसी बहुत ही ज़ोरदार होता है क्योंकि कंजस्टेड होती है, पैसेंजर्स की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है, खाने पीने की सुविधाएं वगैरह नहीं मिलती हैं। हमारी जरूरत का आज रूट होने वाला है सेडम यादगीर होते हुए हम लोग कुंटिकल पहुँचेंगे, वहाँ से कुंटिकल के बाद हमारी ट्रेन धर्मवरम सत्यसाई प्रशांति निलयम होते हुए हिंदूपुर के स्टॉप के साथ बैंगलोर सुबह सुबह में पहुँचा। 700 किलोमीटर की दूरी को हम लोग लगभग 12 घंटे में तय करने वाले हैं। जैसा डिले यहाँ पे उस हिसाब से मुझे लगता है कि 8:30 के बाद ये ट्रेन पहुँचेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 आवर्स तो लगते ही हैं बैंगलोर हैदराबाद के बीच में। पर बस से अगर कंपेयर किया जाए तो इस हिसाब से इसमें किराया काफ़ी कम लगता है, सुविधा काफ़ी ज़्यादा है, वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज को यूज़ कर सकते हो, आराम से टहल सकते हो, खा पी सकते हो, काफ़ी बढ़िया ट्रेन लगती है उस हिसाब से। फिर से यार अपनी ट्रेन में लाइट जा चुकी है पूरे कोच में, मैं तो दरवाजे में ही खड़ा था, अंदर अभी गया नहीं है, और ट्रेन काफ़ी अच्छी रफ्तार में चल रही थी, सोचा आपके लिए मीटर रीडिंग ले लूँ। तो वापस आ भी गई बात करते करते, भाई जो लाइट है वो ट्रिप कर रही है। पिकअप लिया है ट्रेन ने लिंगमपल्ली के बाहर से, रफ्तार का अलग ही मज़ा आ रहा है। गरीब रथ ट्रेन तो यार ऐसा तो मत करो यार कि लोग सच में इस प्रीमियम गाड़ी को गरीब रथ समझने लगे, लाइट जा रही है, पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। यहाँ भी हमारी ट्रेन विकाराबाद जंक्शन को स्किप कर रही है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है लातूर वाली लाइन की ओर, परली वैजनाथ की ओर निकलती है यहाँ से, जहाँ से हमारी बैंगलोर नांदेड एक्सप्रेस जाती है, उसके बाद वो परभणी रेलवे स्टेशन में जा करके बैंगलोर नांदेड एक्सप्रेस यहाँ पे रिवर्सल लेती है और बढ़ जाती है अपने सफ़र की ओर, और परभणी होते हुए नांदेड तक अपने सफ़र को पूरा करती है। हमारी ट्रेन यहाँ से सीधा बढ़ जाएगी अभी कुंटिकल वाली लाइन पर, इसलिए विकाराबाद को जंक्शन कहते हैं। अभी जस्ट हमने विकाराबाद को स्किप किया। यहाँ पे आप देख लो क्या हाल होता है यात्रियों का जब यहाँ पे साइड में भी मिडिल बर्थ ऐड कर दी जाती है, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। खैर लोअर मिडिल और अपर बर्थ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस ट्रेन के, बट हाँ अगर आपको साइड लोअर साइड मिडिल या साइड अपर इस ट्रेन में मिलती है तो ज़रूर आपको इसमें दिक्कत होने वाली है। बात है कि कम पैसे लिए जा रहे हैं तो सुविधा तो भाई कम होगी ही, बाकी लोअर बर्थ भी इसकी काफ़ी नीचे से है, वेट से भी कम है, कुशनिंग कम है, ऐसे कंप्लेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि कई लोग अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके आओगे कि ये होगा वो होगा तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ऐसे ही एडजस्ट करना है। और बाकी कंफर्टेबल है यार, मतलब 770 रुपीज़ में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, लेटने के लिए जगह मिल रही है वो बहुत है, और एसी बहुत बढ़िया चल रहा है, पेट्रोल वगैरह मिल रहा है, उस हिसाब से काफ़ी वर्थ ट्रेन है, ऐसे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी लाइट फिर से चलेगी कोच में, बार बार ट्रिप कर रही है लाइट, देखो अभी आप लोग से बात कर ही रहा था लाइट चलेगी, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार लाइट जा रही है आ रही है कोच में, बात करते करते देखते हैं कब तक आएगी। देखो आ भी गई, वापस आ भी गई, भाई यही सब हो रहा है इस गाड़ी में, आज कॉमेडी चल रही है। बाकी फ़िलहाल रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, विकाराबाद वगैरह स्किप हो गया, बाकी जो स्टेशन है ट्रेन लेट है, 12:30-1 बजे तक आएंगे, यादगीर वगैरह दिखाने का फ़ायदा नहीं, अर्ली मॉर्निंग से शुरुआत करेंगे, घाट सेक्शन कवर करेंगे और खाने पीने की चीज़ों का रिव्यू करेंगे। फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों। गाइज यहाँ अपने दिन की शुरुआत होती है श्री सत्य साई प्रशांति निलयम रेलवे स्टेशन से, ट्रेन यहाँ पे सुबह 5 बजे पहुँचनी चाहिए थी पर यहाँ 6:40 हो रहा है, ट्रेन अच्छी खासी डिले के साथ बढ़ रही आगे की ओर, अब 9:30-10 तक पहुँचेगी बैंगलोर। इसके बाद हमारा अगला स्टॉप होने वाला है हिंदूपुर रेलवे स्टेशन, फिर हम लोग घाट सेक्शन पार करके बैंगलोर पहुँचेंगे। डिले हो गया, शुरुआत तो कल वहीं से हो गई थी, आप लोगों ने देखा ही, बाकी इकलौती टनल इस रूट की हमने पार की, जब मेरी नींद खुली जस्ट वहाँ पे थे हम लोग, अभी भी नींद में ही हूँ, बस सुबह सुबह एकदम गरम गरम डोसा एक भैया चिल्ला रहे थे तो मैंने ले लिया, क्योंकि इस रूट में बाकी कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है सुबह सुबह, और कोई स्टेशन बड़े हैं नहीं, हिंदूपुर में शायद ही कुछ चीज़ें मिले, बाकी अब अच्छी बात यह है कि पूरा रूट जो आपको दिन में देखने को मिलेगा मेरे साथ।
अब ये जो लाइन है ये डायरेक्ट धर्मावरम जंक्शन से आ रही है और हम लोग सत्य साई प्रशांति निरयम होते हुए आ रहे हैं, इसीलिए पेनुकोंडा को जंक्शन कहते हैं जहाँ अभी हमारी ट्रेन पहुँच रही है। यहाँ पे कर्नाटका की इंटरसिटी चलने वाली बस कर्नाटक सरगे यहाँ पे देखने को मिली है, बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सनराइज भी उस तरफ हो ही रहा है। पेनुकोंडा जंक्शन पे हम लोग रुकने वाले नहीं है, स्किप करेंगे जंक्शन को। यहाँ पे गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, यहीं से भेजी भी जाती है, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी जाती हैं हमेशा। भाई साइड मिडिल वाला जो सिस्टम है काफ़ी कंजेस्टेड सा है, यहाँ पे सोने वाला भी मतलब अपनी नेक को बचा करके सो रहा है, और लोअर बर्थ और साइड मिडिल वाला जो कॉम्बो होता है वो तो होता ही खतरनाक सा है। ट्रेन अच्छे खासे डिले पे चल रही है, हिंदूपुर अभी पहुँचेंगे हम लोग 5 मिनट में। सुबह 5:50 का अपना अराइवल टाइम था हिंदूपुर का, और अच्छा खासा डिले यहाँ पे हो रहा है। 7:20 के आसपास लगभग हमारी ट्रेन जो है यहाँ पहुँची है। स्टेशन साफ़ सुथरा है, लेकिन दिक्कत वही है कि भाई डीले जो है वो हुआ इसके कारण। अब ट्रेन हमारी 9:30 तक ही यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पहुँचेगी, लंका तो भले ही आधा घंटा पहले पहुँच जाए। बात यह है कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं, इडली वड़ा डोसा वगैरह सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो यात्री को भाई कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे खाना वगैरह चढ़ाने में। पानी भी अवेलेबल है, इनफैक्ट अब सुबह से जो साइड पेंट्री वहाँ से पानी वगैरह सर्व होना शुरू हो जाएगा। बाकी गरीबत देख लो कितनी खूबसूरत सी लग रही है, 2 घंटा लगने वाला है। बीच में मकाली दुर्गा का घाट सेक्शन पड़ेगा, हरा भरा होगा तो ज़्यादा दिखाएंगे, नॉर्मल सा होगा तो थोड़ा सा दिखाएंगे। बाकी ये देखो प्लेटफॉर्म के बीच में ये पौधा कितना खूबसूरत लग रहा है, भले ही अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन काफ़ी साफ सुथरा रेलवे स्टेशन लगा मुझे। क्या कमाल का एक्सेलरेशन रहा है, प्लेटफॉर्म में ट्रेन ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली है। ये लिया था हम लोगों ने अभी सत्य साई प्रशांति निलयम से, बिल्कुल गरम गरम सा आई है, और 2 डोसे दिए गए हैं साथ में, आलू भी है, चटनी भी बहुत बढ़िया है, स्पाइसी वगैरह है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सही डोसा हमें ट्रेन में मिलेगा, वो भी 40 रुपये में 2। हिंदूपुर में भी अवेलेबल था पर वो हमने नहीं लिया, इसका टेस्ट ट्राई करने के बाद लग रहा है अच्छा क्या ले लिया, और एक और ले लेता तो भी चलता काम। ₹40 के हिसाब से काफ़ी वर्थ एंड टेस्टी है।
मकाली दुर्गा घाट पार करते करते मकाली दुर्गा रेलवे स्टेशन में भी हमको रोका है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैकिंग वगैरह के लिए आते हैं बैंगलोर से, मतलब बहुत ही अच्छा स्पॉट है। मानसून में तो और तगड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छी खासी ठंड है। यहाँ पर लोग ट्रैकिंग वगैरह के लिए आते हैं, रिजॉर्ट्स बहुत बने हुए हैं ट्रैक के किनारे किनारे, तो अगर आप किसी भी रिजॉर्ट में रुकते हो ना, रेलवे ट्रैक बगल में रहेगा, ट्रेन की स्पॉटिंग करने वगैरह के लिए आ सकते हो। और धूप अच्छी खासी खिल चुकी है और ट्रेन का जो डिले है वो लगातार बरकरार है। हम लोग डोडबलापुर रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं और सामने देखो जेसीबी के ट्रक्स जो हैं, इनको भेजा जा रहा है कहीं या कहीं से आ रहा है ये देखना पड़ेगा। अच्छा, इनको भेजा जा रहा है कहीं जेसीबीज को, और अच्छा खासा डिले हो गया है। 8:45 हो रहा है अभी हमें डोडबलापुर स्किप करते करते, देखते हैं कब तक हम लोग यलंका यशवंतपुर भी पहुँचते हैं। एक्चुअली अराइवल टाइम तो 8 बजे का था, पर डिले काफ़ी तगड़ा हो गया। 9:25 पे हम लोग यलंका जंक्शन पहुंच रहे हो। सामने वो जो ट्रैक आता देख रहे हो ना आप लोग, वो बैंगलोर एयरपोर्ट से आ रहा है, मतलब वो कोलार देवनहली वाली लाइन है जो कि नंदी हिल भी जाती है और वहीं से आ रही है। और वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, कमाल की बात ये है। जस्ट मेरी एक ट्रेन मिस हुई, वरना मुझे घर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है यलंका जंक्शन से, पर फिर भी मैं यलंका ही उतरूँगा क्योंकि यशवंतपुर अगर जाएंगे तो ट्रेन को अभी 10:30 और बच जाएगा। बस अच्छा मैं यहाँ से उतर के कैब ले लूँगा अभी यलंका जंक्शन, बस ट्रेन पहुँच रही है, मैं सामान लेके आ जाता हूँ अभी अंदर से। तो ओवरऑल गरीब रथ काफ़ी बढ़िया थी, पर ये जो डिले हुआ है ना, ये इसमें ट्रेन की गलती नहीं है। गोदावरी एक्सप्रेस जो है वो डिलेल हो गई थी सिकंदराबाद के थोड़ा पहले, तो बैंगलोर राजधानी भी और डिले आ रही है। जो सुबह 5 बजे पहुंची चाहिए थी वो 11:30 बजे ही पहुँचेगी। बहुत डिले चल रहा है ट्रेन के इस चक्कर में, सभी गाड़ियाँ लेट हैं, इसलिए आज जो लाइनअप है बैंगलोर सिटी में एंट्री के लिए भी लेट होता चला जा रहा है। बाकी ओवरऑल सस्ती में अगर आपको पहुँचना है, बाकी ओवरऑल अगर आपको सस्ते में पहुँचना है, 750 रुपये में आपको 700 किलोमीटर की राइड मिली सिकंदराबाद से बैंगलोर के लिए, और क्या चाहिए। गाड़ी साफ सुथरी है, वॉशरूम वगैरह में साबुन वगैरह है, पेट्रोल वगैरह मिल जाता है आपको, एसी बहुत बढ़िया चलता है, डस्ट वगैरह नहीं लगेगी, तो उस हिसाब से तो काफ़ी बेस्ट है। अगर आपको इसमें सीट अवेलेबिलिटी मिलती है तो ज़रूरी आप इसमें ट्रैवल कर सकते हो। बाकी मेरी ये जर्नी थी ये कम्फर्टेबल तो रही है, नींद पूरी हो गई अच्छी खासी और घर भी बिल्कुल टाइम से पहुँच रहा हूँ। बाकी मैं यलंका जंक्शन उतर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्टडी द ट्रेन गुरु है, वहाँ मैं जर्नी अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। मिलूंगा आप लोगों से और बहुत सारी जर्नी में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। वगैरह लेकर के मैं भाग के ऊपर आया ताकि वहाँ से अपनी लोकल खड़ी थी वो मिल जाए, पर वो निकल गई घर के लिए, अब बाई रोड जाना पड़ेगा, तो अपने पास बहुत वक्त है। तो फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। भाई ये सब्सिडाइज ट्रेन से इंडियन रेलवे चला रही है, मैं तो कहता हूँ ऐसी और बहुत सारी ट्रेन चलनी चाहिए, इसे बंद नहीं करना चाहिए। रेलवे का तो प्लान था इसे बंद करने का, पर ऐसी और बहुत सारी ट्रेन चलाई जाएँ। रेलवे तो हमारे जो नॉर्मल ट्रेन से उनको भी एलएचबी में जब कन्वर्ट करी तो 2 स्लीपर 9-10 AC का कोच, 2 टायर के 5-6 कोच करिए, AC एक्सप्रेस की तरह करी ताकि पैसेंजर जो हैं वो डिपेंड हो जाएं AC कोचेस के ऊपर। ये तो बात ठीक है, लेकिन थोड़ी सब्सिडाइज कोचेस भी चलानी चाहिए। 3 AC इकोनॉमी भी चलाया गया, उसमें भी कोई फेयर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। फिलहाल मेरे इस विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे जल्दी ऐसी बहुत सारी जर्नीज में, ट्रेन रिव्यूज़ में, और ऐसे ही मैं आप लोग को जर्नी एक्सपीरियंसेस कराता रहूँगा। बेडरोल वगैरह गरीब ट्रेन से आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो प्राइस है आपके टिकट में ही इंक्लूड हो जाता है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो खाना पीना भी अपने साथ कैरी करना। हैदराबाद और बैंगलोर दोनों ही बड़े शहर हैं, बैंगलोर से भी चलती है 4:00 बजे चलती है, 4:00 बजे हैदराबाद पहुँचाती है, तो दोनों ही जगह में आपको खाने पीने की दिक्कत कोई भी नहीं होगी। मिलेंगे जल्दी नई जर्नीज में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।